नमस्कार दोस्तों, YouTube हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिदेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट में कैसे किसी पोस्ट को लिख के उसको पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे नाम है कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट में कैसे आप डोमेन खरीद के वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, डोमेन उसमें मैप कर सकते हैं, और कैसे एक अपना एक वेबसाइट बनाकर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह कैसे आप लिखेंगे, कैसे वहाँ पे आप जो है वेबसाइट को कैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था वेबसाइट के बारे में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और यहाँ पे आइकन पे यहाँ पे दे दूंगा आपको आई आइकन में, तो आप आई बटन पे वहाँ पे भी क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक क्लिक करके वो पहला वीडियो जो है वेबसाइट सीरीज का वहाँ पे आप उसको जरूर देखें। उसके बाद ये आगे की वीडियो है, तो आप उसको देखने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप इसको वीडियो को देखिए। इस सीरीज़ में मैं 6-7 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे क्या होता है वेबसाइट के बारे में सब चीज़ें आप सीख जाएंगे यहाँ से। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब को कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री होता है। अगर नए यूजर्स जिनको नहीं पता है कि सब्सक्राइब फ्री होता है तो वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्हें पता है तो वो करेंगे सब्सक्राइब। अगर नहीं करते हैं तो वीडियो जरूर देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बगल में आपको यहाँ पे बेल आइकन भी दिखाई देगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से क्या होगा कि आपको जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ वीडियो की आप वेबसाइट में कैसे पोस्ट को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो वेबसाइट बताऊंगा उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस दोस्तों आजकल बहुत यूज हो रहा है, ज़्यादातर 90% लोग वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हैं। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाइए, वहाँ पे वेबसाइट जो है फ्री बनती है, बस आपको होस्टिंग का पैसा और डोमेन का पैसा देना पड़ता है। और डोमेन का पैसा आपको 99 गोडैडी से मिल जाएगा, उसके बाद जो है होस्टिंग जो है हर मंथ के लिए आपको अलग अलग प्लान के थ्रू आपको मिलेगा। तो मैं होस्टिंग पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो जिस दिन बनाऊंगा तो मैं वहाँ बताऊंगा आप कौन सी होस्टिंग किस वेबसाइट के लिए ले सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस में कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पे जो है पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डोमेन लेंगे तो फ्री डोमेन मत लीजिए, हमेशा जो है परचेज वाला डोमेन लीजिए, जिससे आपका एडसेंस अकाउंट भी फुल्ली अप्रूव हो जाएगा और उससे आप जो है आईडी पासवर्ड वहाँ पे आपको क्रिएट करके वर्डप्रेस पे आपको वहाँ आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट अपनी बनाई हुई है जिसका नाम है baba@.com, आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। तो मैं उस पर लॉग इन करूँगा, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे अपना खोला हुआ हूँ, तो मैं इसको जो है यहाँ पे पासवर्ड आईडी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेव किया, तो मैं यहाँ से लॉग इन हो जाता हूँ। यहाँ पे खुल गया है वेबसाइट, यहाँ पे होम पे जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे यहाँ पे होम पे खुल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट का, यहाँ पे ये देखिए पोस्ट, यहाँ पे कुछ इस तरह पोस्ट मिलेंगे वर्डप्रेस में। तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे जाना है, पोस्ट के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से आप ऐड न्यू कर सकते हैं, ऑल पोस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी टैग सब यहाँ पे, ये अब मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं, टैग कैसे क्रिएट सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑल पोस्ट क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा यहाँ पे, उसमें जितनी पोस्ट यहाँ पे वेबसाइट में रहेगी वो खुल जाएंगी जो जो पोस्ट हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है एक नया पोस्ट लिखने के लिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड न्यू पे, ये देखिए सारी पोस्ट यहाँ पे खुल गई है। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, जो भी जितने भी यहाँ पे टूल होंगे जो एक पोस्ट को लिखने के लिए यहाँ पे होना चाहिए वो आपको यहाँ पे सब मिलेगा। तो यहाँ पे ये खुल गया, तो ये ऐड न्यू पोस्ट
टाइटल यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी पोस्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पे टाइटल में जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी पोस्ट आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ बेस्ट बेस्ट स्मार्टफोन स्मार्ट स्मार्ट फोन। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है कुछ की नहीं काम कर रहे हैं सिस्टम में, तो मैं ये एक साथ गैप नहीं हो रहा, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस आपको देख के कोई भी लिख देंगे, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे इस पोस्ट की ऑटोमेटिक। फिर नीचे आपको क्या करना है, जैसे आपको इमेज यहाँ पे फ्रंट पेज पे कोई इमेज देना है, तो यहाँ पे आप इमेज ले लेंगे, एड मीडिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, या तो आप आपके जो मीडिया में जो अपलोड आप पहले किए रहेंगे उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक कोई भी इमेज वगैरह आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो यूज हुआ है यहाँ पे अपलोड है, मैं उसको ले लेता हूँ। ये देखिए पहले मीडिया लाइब्रेरी आपकी खुलेगी, जो आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे वो यहाँ पे खुल के आएगा, और अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट फोन मैंने यहाँ पे कोई पोस्ट लिखा, तो मैं एक ये फोन का इमेज है, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, तो फिर आपको बगल में एक सेटिंग ये यहाँ पे खुल के आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रूल डालना है। तो यूआरएल में आपको क्या डालना है, जब आप पोस्ट को लिख देंगे, बाद में आप दोबारा जब एडिट करेंगे तो वहाँ पे आके इस पोस्ट जो पोस्ट लिखेंगे उसका यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद टाइटल डालना है, टाइटल क्या है इस इमेज का, बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे रहेगा उसको आप हटा देंगे, आप पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो है टाइटल डालेंगे। टाइटल आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, पोस्ट जो आप कीवर्ड डालेंगे SEO के लिए वो भी आप यहाँ पे एक कोई यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, alt text ये भी ये जरूरी है आपको यहाँ पे भी, तो आप ये दोनों सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इमेज आपका अगर कोई इमेज सर्च करता है, गूगल सर्च करके इमेज आपको दिखाता है, वहाँ पे जो कोई अगर इमेज सर्च करेगा तो वेबसाइट लिंक रहेगी, जैसे इमेज क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, और ये कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो कीवर्ड से आपकी इमेज जो है सर्च हो जाएगी। ये SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखनी है, ये साइज है, इमेज साइज कितना बड़ा आपको रखना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। अब आपको इसके पोस्ट के बारे में लिखना है यहाँ पे, तो पोस्ट के बारे में लिखना है, तो यहाँ से आप लिखना इंटर काम नहीं कर रहा अभी, तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। कुछ भी आप यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट के बारे में, जो आपको अगर ब्लॉग लिखना अगर आता होगा तो आप जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर लिंक देना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको आपको लिंक देना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो आपको ये लिंक इंसर्ट लिंक करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो आप लिखे रहेंगे वहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये इंसर्ट लिंक, या यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ये सॉरी दोस्तों, ये फ़ोटो की आ गई, तो यहाँ ये आ गया यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे, तो आप यहाँ पे मैं लिंक डाल, कुछ भी आप लिंक डाल सकते हो, जैसे आपको एफिलिएट कोई देना है उसमें क्या करते हैं फ्लिपकार्ट में, तो आप फ्लिपकार्ट का कोई लिंक यहाँ दे सकते हो, लिख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट बुक योर फ़ोन, यहाँ पे ये MI जो भी फ़ोटो है ये फ़ोन बुक करना है, तो आप वहाँ पर
इसको लिंक देखो, मैं अपना यही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे, www यही ऐसे .com जो भी लिंक है वो आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिंक। उसके बाद आप यहाँ पे आपको पोस्ट में जो है यहाँ पे ये बोल्ड इटैली ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, बाकी ये सब चीज़ें ये इसको बीच में रखना है सेंटेंस को, इमेज को यहाँ क्लिक कर सकते हैं, इसको साइड में, लेफ्ट में, राइट में, ये ऐसे कैसे कंटेंट वगैरह हो सकता है, ये हो गया। उसके बाद आप जैसे कोई टाइटल यहाँ पे देना है, आप टाइटल को आप हमेशा H1 हेडिंग 1 पे करिए, बाकी सब 5-6 डिस्क्रिप्शन जो है इस पे कर सकते हैं, हेडलाइन 5 में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमेशा हर पोस्ट में एक हेडलाइन टैग होना चाहिए, टाइटल जो हो गया हेडलाइन होना चाहिए हेडलाइन 1 में, बाकी जो है 3 4 5 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, टाइटल मैंने लिखा नहीं है वो ऊपर टाइटल। और दोस्तों मैंने जो लिंक बताया था ये देखे बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लिंक आपकी बन गई है, जो टाइटल रहेगा उसी की लिंक बन जाएगी, यही आप इसको कॉपी करके इस इमेज के जाके वहाँ लिंक में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे टैग देना, जैसे ये टैग, इस टैग में क्या देना है आपको, तो स्मार्टफोन जैसे सर्च होगा, कोई स्मार्टफोन सर्च करेगा तो स्मार्टफोन तो आप लिख सकते हैं, गलत हो गया, की काम नहीं कर, कोई दोस्तों यहाँ पे की काम नहीं कर रहे, आप जो है ऐसे यहाँ स्मार्टफोन हो गया और जो भी होगा इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे बस इसको करके इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो PHO यानी फ़ोन लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दो, ये टैग हो गया, जैसे आप जो फेसबुक में दोस्तों टैग करते हैं, इसे यहाँ पे इसको फोटो को पोस्ट को टैग कर, ये पोस्ट को टैग कर सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर्म है, इसमें जो कॉन्टेक्ट वगैरह जो एक होता है फॉर्म, तो मैंने कॉन्टेक्ट में फॉर्म बनाया हुआ, उसका ये प्लगइन है निंजा, तो वो होता है, तो इसको कुछ नहीं करना आपको। अब फीचर सेट, दोस्तों ये एक चीज़ हो रही है, या फीचर फ़ोटो में जैसे कि आपको फीचर फ़ोटो होता है, कोई पोस्ट हो गया उसका फीचर फ़ोटो वो सिर्फ दिखाई देगा जब आप होम पेज में, बाकी जब पोस्ट खोलेंगे तो बीच का पोस्ट दिखाई देगा, फ़ोटो दिखाई देगा बाकी नहीं। तो ये फीचर में जैसे ये करना है तो यही चीज़ें मैं यही फ़ोटो लगा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो ये यहाँ पे लगा दिया, ये फीचर फोटो हो गई यहाँ पे, और इमेज वहाँ पे ये होम पेज पे दिखेगी जब शॉर्ट फॉर्म में सभी पोस्ट दिखेंगे, जब पोस्ट को कोई खोलेगा तो अभी ये फ़ोटो वहाँ पे फीचर वाली नहीं दिखाई जाए दिखेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आते हैं, ये SEO एक प्लगइन है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ प्लगइन होता है हर चीज़ के लिए, यहाँ पर प्लगइन है जो आप इंस्टॉल करके वहाँ पे उसमें जो है लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सोशल शेयर यहाँ पे लाना है बटन, जैसे कोई फेसबुक पे शेयर करना है तो आप सोशल शेयर यहाँ प्लगइन पे जाके यहाँ पे हर चीज़ के 2 करोड़ यहाँ प्लगइन मिलेंगी, आप जाके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऐसे ये ऑल इन SEO पैक, ये एक प्लगइन है इस जो पोस्ट के लिए, यहाँ पे SEO के लिए SEO के पोस्ट के लिए SEO होता है यहाँ पे, तो टाइटल में यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन जिसमें आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये कीवर्ड, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, जब दोस्तों आप कोई सर्च करते हो गूगल पे तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो आती है ना होम पेज पे, पहले फर्स्ट पेज पे एक लिंक होता है, एक टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में होता है, वो यही चीज़ है। और कीवर्ड जो होता है, ये कीवर्ड जिसमें कॉमा आपको लगाना है, तो वो ये SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि गूगल से आप सर्च करेगा तो वहाँ पे ये बैकेंड में सर्च होता है कीवर्ड, उसी से आपकी पोस्ट सर्च होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जो लोग सर्च करते हैं कीवर्ड लिख के, जैसे स्मार्टफोन कैसे होता है ये सब लिख के यहाँ पे डाला जाता है, कॉमा लगा लगा के आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड डालना जो ज़्यादा सर्च होता है, वही कीवर्ड यहाँ पे डाला जाता है। तो यहाँ टाइटल में आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, यही कॉपी कर लेना है टाइटल जो ऊपर है,
इसको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके फिर ये भी मैक्सिमम 60 60 का वर्ड का होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 16 है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी कर लेना है, और ये आके यहाँ पे इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर कीवर्ड में क्या डालना है, इसको फ़ोन डाल देता हूँ मैं, फ़ोन, फिर कॉमा, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ऐसे कीवर्ड यहाँ पे आपको जो भी फ़ोन से रिलेटेड आपको पता लगे कि ये लोग सर्च करते हैं तो ये डाल दी। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे ये प्रीव्यू में, ये देखिए प्रीव्यू, ये प्रीव्यू दिखा रहा है गूगल पे, जैसे सर्च होता है देखिए ये ऊपर आ गया, बेस्ट फुल टाइटल आ गया, ये आपका वेबसाइट की लिंक आ गई जो लिंक बना हुआ है, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिखा है बेस्ट स्मार्टफोन, ये यहाँ ऊपर है, यानी यार हो गया गलती से, तो ये आ गया, तो ये प्रीव्यू आपको दिखाई देगा ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे रखना, बाकी नीचे आपको कोई चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैटेगरी किस कैटेगरी का है, ये कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी जब फर्स्ट टाइम आप आओगे यहाँ पे, जाके कैटेगरी में, ये आपको यहाँ कैटेगरी मिलेगी, ये मैं वीडियो बनाऊँगा बाद में कैसे कैटेगरी बनाते हैं तो उसमें बताऊँगा। तो मैंने यहाँ कुछ कैटेगरी एक बनाई हुई है, जैसे कि मैंने इस फ़ोन का है, तो मैं यहाँ जियो ऑफ़र में इसको कर दूंगा, जब कोई जियो जब मेरे वेबसाइट पे आएगा तो ये कैटेगरी वहाँ पे दिखाई देगी, जिससे जो इससे रिलेटेड जो पढ़ना चाहता है, तो जिसे जियो ऑफर में खोलेगा तो ये स्मार्टफोन का ये पोस्ट वहाँ पे दिखाई देगा, ये कैटेगरी होती है। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी है दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहीं से आप इसको कर सकते हो ऐड न्यू, तो जैसे स्मार्टफोन तो बनाना है, स्मार्टफोन इसको बना सकते हो, तो बना सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना डायरेक्ट सेव, अगर अगर आपको पब्लिश तुरंत करना है, भी तुरंत दिखाना है वेबसाइट पे, तो यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो सेव ड्राफ्ट में बाद में कुछ और एडिट करना है तो इसको सेव ड्राफ्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट में क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बनाया, मुझे इसे पब्लिश नहीं करना है। तो दोस्तों ये था वर्डप्रेस में पोस्ट लिखने का तरीका, तो मुझे